देखिए अभी बहुत स्पीड से नीचे आ रहा है हमारा ड्रोन, और अभी वो रहा हमारा ड्रोन अभी 165 मीटर पर है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और कल का तो ड्रोन शॉट था, आप लोग को शायद अच्छा लगा होगा। और आज देखते हैं इसका सेटअप करते हैं, और फिर से यहाँ का एक लोकेशन अच्छा लोकेशन है जो कि इधर का मतलब फेमस वे है, बहुत ही खूबसूरत सिटी है हमारा लक्ष्मीपुर। और हम इधर अभी ड्रोनी शॉट लेंगे, और आप लोगों को कैसा लगा आप तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चलिए ड्रोन के ओर आते हैं, पहले इसका सेटअप कर लेते हैं। ये निकला, ये हो गया हमारा ड्रोन, और इसका गिम्बल का प्रोटेक्टर निकाल देते हैं। ये निकल गया, फिर इसमें लगता है हमारा फ़ोन है टाइप सी केबल, इसलिए हम इसको टाइप सी केबल कनेक्ट करेंगे। ये इसका जॉयस्टिक है, जॉयस्टिक पहले लगा देते हैं, फिर इसका एंटीना को ऐसे घुमा देते हैं बेहतरीन सिग्नल के लिए, और फिर अपने ये माइक्रो यूएसबी केबल है यहाँ पर लगेगा मोबाइल टू ड्रोन को कनेक्ट करने के लिए, और ये यहाँ से ऐसे मोबाइल के अंदर लगेगा कनेक्टिंग होने के लिए, फिर हम इसको कनेक्ट कर लेंगे। ये रहा ड्रोन को, ड्रोन का कंट्रोलर, रिमोट कंट्रोलर, और ये रहा ड्रोन हमारा। तो चलिए पहले इसको हम थोड़ा अच्छे से फ्लाई करते हैं, देखते हैं हमारा इधर का जो रेलवे है कैसा ड्रोनी शॉट आता है। पहले इसको कनेक्ट कैसे करेंगे, देखिए रिमोट का ये जो पावर बटन है एक बार दबाएंगे और फिर से कंटिन्यू प्रेस करके रखेंगे तो ये ऐसे सिग्नल देगा, ये ऑन हो गया। वैसे ही सेम ड्रोन को भी एक बार ऐसे क्लिक करेंगे, फिर से कंटिन्यू दबाएंगे तो ड्रोन भी ऑन हो गया। देखिए ये हो गया, तो अभी हम क्या करेंगे, इसका जो मोबाइल को ऑन कर लेंगे पहले, फिर इसका जो कनेक्टिंग है उसको ओके कर देंगे, और देखिए ये अभी कनेक्ट हो गया है। देखिए अभी कंटिन्यू लाइव में है, कैमरा भी लाइव में है, तो पहले इसको हम अभी चालू करेंगे। तो चालू कैसे करेंगे, ये रहा देखिए ये वाला है, ये रहा टेकअप का ऑप्शन, टेकअप को ऐसे करके पकड़ेंगे, होल्ड करेंगे तो अभी ड्रोन स्टार्ट हो जाएगा। ड्रोन अभी स्टार्ट पर है, देखिए उड़ रहा है, और अभी चलिए देखते हैं ड्रोन कैसा है। देखिए इधर सेंसर दिया होगा, वो चला जाएगा ऊपर। ओके, तो अभी हम ड्रोनी शॉट में देखते हैं। अब हमारा ड्रोन पूरा ऊपर चला गया, अभी दिखाई नहीं दे रहा है,
अभी देखिए आप कैमरा स्क्रीन पर देख चुके हैं 402 मीटर डिस्टेंस पर है अभी हमारा ड्रोन, हमको तो अभी दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए उसको पहले नीचे बुला देते हैं, देखते हैं कितना टाइम लगता है। अभी देखिए जैसे मैं इसको नीचे करूँगा ये वाला डिस्टेंस कम होते हुए जाएगा। देखिए नीचे आ रहा है हमारा ड्रोन, धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है। एयरक्राफ्ट कनेक्टिंग फेल्ड हो गया, हमारा कनेक्टिंग फेल्ड हो गया और नीचे आ जाएगा वो धीरे धीरे करके। फ्लाइट अभी ऑटोमेटिकली वो नीचे आ रहा है, देखिए 342-343 मीटर पर अभी है। अभी एयरक्राफ्ट कनेक्ट हो गया है, हम अभी उसको नीचे बुला देते हैं। देखिए अभी बहुत स्पीड से नीचे आ रहा है हमारा ड्रोन और अभी वो रहा हमारा ड्रोन अभी 165 मीटर पर है। आज का दिन तो बहुत ही डेंजरियस था भाई मेरे लिए। क्या हुआ देखो, मैंने एक तो ड्रोन को पूरा 430 मीटर ऊपर ले गया था, तो उसके बाद क्या हुआ कि है वो मेरे वो जो मोबाइल के कनेक्शन में रहता है ना, जिससे मैं जान पाता हूँ कि मेरा ड्रोन कितना डिस्टेंस पर है और कहाँ पर है, तो वो मतलब डिसकनेक्ट ही हो गया। तो मैं थोड़ा घबरा गया 2 मिनट के लिए, फिर सोचा उसका जो रिटर्न टू होम बटन है उसको एक बार दबा देता हूँ, फिर उसको क्लिक कर लिया। उसके बाद मेरा ड्रोन 230 मीटर पर फिर से मेरे मोबाइल पर कनेक्ट हो गया। भाई जान पे जान आई, आज तो गया था मेरा ड्रोन, कहाँ गया था मैं अगर ढूंढता तो वो नहीं मिलता, इतना ऊपर गया था कहाँ जाकर क्रॉस होता, तो वो सोच के ही घबरा जाता है मेरा दिल। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबको, अगर कोई भी बंदा ड्रोन उड़ाता है तो 100 मीटर या 200 मीटर पर ही उसको फ्लाई करें, उससे ऊपर भूल से ही मत ले, वरना बहुत ही परेशान हो जाएगा भाई। अच्छा चलो ठीक है, आज का तो वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। और आप सबको कैसा लगा मेरा आज का जो ड्रोनी शॉट, थोड़ा कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और भाई मेरा नया चैनल है, कुछ तो सपोर्ट कर लो और थोड़ा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अपने दोस्त के साथ कर लेना। और आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से और दमदार वीडियो आएगा, आप लोग उसके लिए वेट कीजिए और सी यू सून।